हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, लाइफ में बिंदास रहते होंगे, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, करियर के बारे में ज्यादा फोकस करें। अभी तो आप लोग सब जानते हैं कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के टाइम पे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटोकॉल और रूल्स फॉलो किया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े और मेरे वीडियो को देख के बहुत ज्यादा एंजॉय करें और नेचर को दिल से महसूस करें। और नेचर आपको ऐसे एनर्जेटिक चीज देता है जिसके बदौलत आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसको सुन के और जिसको देख के आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का ये टॉपिक, जो कि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़े इमारत जो कि शाहजहां अपने बीबी मुमताज बेगम के लिए बनाया था, वो है ताजमहल, उसके अगेंस्ट में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक विश्वल और आप सभी का सहज दिल से शुक्रगुजार हूं मेरे YouTube चैनल पे, और स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसको हम अभिषेक ट्रैवल तड़का के नाम से जानते हैं उसके ऊपर। तो गाइस, अगर कोई भाई और बहन और फ्रेंड्स मेरे वीडियो पे नए हैं और मेरे वीडियो के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा प्यार दीजिए और वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस, नीचे जो बेल आइकन का बटन भी है उस पे ऑल पे क्लिक करें। नफरतों की दुनिया में इंसान ने इंसान को भुला दिया, गुलशन की बस्तियों को उजाड़ा और शमशान तक खून बहा दिया। मोहब्बत की ताकत तो देखो यारो, इसी इंसान ने इंसान के लिए नया ताजमहल बना दिया। ताजमहल जो है मोहब्बत की निशानी, खूबसूरती का बेमिसाल नमूना, देश और दुनिया के सभी स्मारक स्थलों में से सबसे मशहूर और सुंदर महल, अपनी 350 साल की उम्र में इतिहास के उतार चढ़ाव के मार्ग झेलते हुए ताजमहल सही मायने में प्रेम की ताकत को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। ताजमहल के तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये सच में धरती में जन्नत के समान है। हर साल लाखों टूरिस्ट ताजमहल को देखने हेतु भारत में आते हैं। कश्मीर में छोटे ताजमहल को आंखों के सामने देखने से उनके आंखें चौंधिए जाते हैं। सफेद संगमरमर, लाल सैंडस्टोन और हरे भरे खूबसूरत बगीचे में बने ताज परिसर को देखने हर किसी के आंखें तृप्त हो जाती हैं। आज ताजमहल विश्व दरबार के रूप में भारत का शान बना हुआ है। ये अपने नाम की तरह ही दुनिया के सब महलों का ताज ही है। इसे की बनाने वालों ने इसे किसी कलाकृतियों के लिए नहीं बनाया, वो इसमें अपनी जान फूंकी है। मानो किसी शायर ने बहुत शिद्दत से अपने एक एक लफ्ज जोड़कर अपने दास्तान मोहब्बत बयां की हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं शाहजहां और मुमताज बेगम के प्यार से जुड़ी हुई नया ताजमहल की पूरी कहानी। बाबर भारत के मुगलिया वंश के संस्थापक थे। उन्होंने सन 1526 में पानीपत मैदान में दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत के मुगल वंश की नींव रखी। बाबर के पुत्र हुमायूं और हुमायूं के पुत्र अकबर ने भारत के विस्तृत क्षेत्र पर मुगल के साम्राज्य को उपस्थापना किया। इस दौरान मुगलों ने अपने शाही रुतबे और प्रभुत्व को विस्तारित करने हेतु भव्य और सुसज्जित और आकर्षक स्थापत्य कला का निर्माण करवाया। अकबर के पुत्र जहांगीर और जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने इस निर्माण को बुलंदियों पर पहुंचाया। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां के शासन युग को मुगल साम्राज्य और मुगल सभ्यता का स्वर्ण युग या सबसे समृद्ध युग माना जाता है। शाहजहां शब्द का अर्थ है इस जहां की शहंशाह। शाहजहां अपने शासन काल में कई निर्माण कार्य करवाए, लेकिन
उनके बनवाए ताजमहल ने उनके और मुमताज के प्यार को अमर कर दिया। मुमताज और शाहजहां का विवाह सन 1612 में हुआ था। शाही रिवाजों के चलते शाहजहां का कई शादियां हुई थी, लेकिन शाहजहां को और मुमताज को प्रेम की गहराई अलग ही थी। शाहजहां अपनी बीबी मुमताज से बेइम्तिहान मोहब्बत करती थी। अपनी 14वीं बच्चे को जन्म देते ही मुमताज की दुखद मृत्यु हुई थी। मुमताज की मृत्यु ने शाहजहां को गम के अंधेरों में ढकेल दिया। साल भर में ही शाहजहां के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई और चेहरे पर झुर्रियां आ गई। अपनी प्यारी बेगम के लिए शाहजहां ने दुनिया के सबसे प्यारी नायाब बनाने के लिए मन में ठान लिया। सन 1632 में आगरा के यमुना नदी के तट पर ताजमहल का निर्माण करवाया जाना शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह में जयपुर का महाराजा जयसिंह का आलीशान महल हुआ करता था। बादशाह शाहजहां ने जयसिंह से इस जगह के सौदा करके उसके बदले आगरा शहर के मध्य एक विशाल महल दे दिए थे। बादशाह शाहजहां के पास वास्तुशास्त्र के ऊपर खानदानी अनुभव था। कई किले मकबरे इनके शासन काल में किए गए थे, जिसमें हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, आगरा का लाल किला, जहांगीर का मकबरा आदि शामिल था। उत्तर भारत के करीब 20,000 मजदूर सेना ताजमहल के निर्माण कार्य के लिए लगवाए गए थे। 1,000 से ज्यादा हाथी को यातायात करने हेतु प्रयोग में लगाए गए थे। देश विदेश के कौन अनुकौन से कारीगर बुलवाए गए थे ताजमहल में लगवाने के लिए। कारीगरी भारत समेत एशिया के विभिन्न क्षेत्र से लाए गए थे, जिसमें से श्वेत संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया, जेस्पर को पंजाब से, क्रिस्टल को चीन से, फिरोजा को तिब्बत से, लापिस को अफगानिस्तान से, नीलम को श्रीलंका से और कर्निलियन को अरबिया से मंगवाया गया था। कुल मिला के 28 बहुमूल्य रत्न को ताजमहल के निर्माण के हेतु मंगवाया गया था। ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और मुख्य सुलेखन करता थे ईरान के अमानत खान। कागज में बनाया गया इस खूबसूरत ताजमहल हकीकत में बहुत ही बड़ा होने वाला था, लेकिन नदी के किनारे इतना बड़ा महल बनाने बहुत ही बड़ी चुनौती भरा काम था। मकबरा के साथ साथ मेहमान खाना, मस्जिद, नवाब खाना, मुख्य प्रवेश द्वार और बाग बगीचे भी शामिल थे। इस पूरे योजना को पूरा होते होते 22 साल के समय लगा। सन 1653 में ताजमहल का पूरा रूप में तैयार हो गया। देखने से ताजमहल श्वेत संगमरमर के खंड जैसा प्रतीत होता है, लेकिन असल में यह सादी ईंटों से बनाया गया है और उसके ऊपर से संगमरमर और बलुआ पत्थर के परत चढ़ाए गए हैं। आज जो हजारों लोगों और लाखों लोगों ताजमहल को देखते आते हैं, वो असल में ताजमहल का पिछला हिस्सा है, ताजमहल का। तो मेरे भाई और बहनों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग ही हैं जिनके कमेंट को देख के मैं कुछ रेक्टिफाई करवा सकता हूँ अपने फ्यूचर वाले वीडियो में जो भी अपलोड होने वाला रहेगा। तो गाइस, वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया और मेरे को इतना अच्छा प्यार देने के लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो ऐसे ही मेरे वीडियो पे बने रहिए और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन पाते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियो प्रेजेंट करूँ जो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा और बहुत ज्यादा हिस्ट्री और मिस्ट्रीज के हिसाब से बराबर रहेगा। तो ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है अभिषेक ट्रैवल डॉट का, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत ज्यादा प्यार दीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने परिजनों और रिलेटिव के साथ शेयर करें। और मैं रखता हूँ, तब जय हिंदुस्तान, जय मेरे भारत महान और जय